हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आज जो हमने एक मार्केट पे एक अपमूव देखी है, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखी है हमने मार्केट पे, उसमें अब हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, क्या उस लेवल्स के ऊपर अगर आपने बाय या सेल करा होता तो आप पैसा कमा पाते, और कौन से स्टॉक्स थे जो मैंने आपको आज इंट्राडे के लिए दिए थे जिसपे आप पैसा कमा सकते थे। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जी इंटरटेनमेंट। तो जी इंटरटेनमेंट मैंने आपको एक शॉर्ट की सलाह दी थी, और शॉर्ट की सलाह पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो टारगेट्स थे वो मीट कर गए थे। गाइस, जो आपको एक स्टॉप लॉस प्रोवाइड कराया गया था, वो स्टॉप लॉस का कुछ पैसा ऊपर जाके उसने हिट करा, और उसके बाद हमने एक टारगेट हिट होते हुए देखा। तो जिस तरीके से मार्केट ने एक मोमेंटम दी थी, और हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारा कुछ पॉइंट्स या कुछ पैसों की वजह से हमारा जी इंटरटेनमेंट में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, पर गाइस हो गया। कोई बात नहीं, जो लोगों ने लॉस बुक करा होगा वो इस कल के ट्रेडिंग सेशन में पैसा कमा पाएंगे। और अगर हम बात करें BPCL के, तो गाइस BPCL भी हमारा पहला टारगेट था वो अचीव कर गया है। टाइटन की बात करें गाइस, टाइटन भी शॉर्ट दिया था आपको, सारे पांचों के पांच जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे, पांचों के चार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करा था किस लिए क्या शॉर्ट है, किस लिए क्या बाय दिया हुआ है, तो टाइटन के भी टारगेट्स अचीव हो गए। मारुति एक कॉन्ट्रा कॉल आपको बाय के लिए दी थी, मारुति का भी टारगेट अचीव हो गया। बर्जर पेंट्स एक लास्ट स्टॉक था जिसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ गाइस, और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुए तो एग्जैक्ट आपको उसी स्टॉप लॉस से अपनी बर्जर पेंट्स के अंदर एक बाय पोजीशन को बना लेनी है, और वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 से 30 रुपये वो दिखा सकता है एट अ मैटर ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं कौन से और पांच स्टॉक्स हैं जो आप कल थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन लेकर चल सकते हैं, और बैंक निफ्टी निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे पहला है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, रेमिट, BPCL दोबारा आपको दिया जा रहा है, SBI और इंडोसेंड बैंक। ये पांच काउंटर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो है 1123। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना होगा 1114 का करना होगा, और टारगेट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1132 1148 के कर सकते हैं। ये एक बेस्ट काउंटर मुझे लग रहा है कि हम देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो एक मूवमेंट आ सकती है 1200 की, हम एक अपसाइड देख सकते हैं, या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1170 तक तो ये मिनिमम जा सकता है। और अगर गाइस ये 1200 का लेवल ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन कर देता है, तो इसका नेक्स्ट लेवल 1400 का होगा, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 1 से 2 महीने के अंदर ये दिखा भी सकता है। रेमेंट बाय करने की सलाह दी जाएगी अगर ये गाइस रेमेंट इस हफ्ते की क्लोजिंग में अगर 600 के ऊपर बंद हो जाता है, या 598 के ऊपर भी अगर ये क्लोजिंग दे देता है रेमेंट, तो गाइस यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ जाएगा, और ब्रेकआउट सबसे पहला टारगेट जो इसका होगा वो 650 होगा, जो कि हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि विद इन अ वीक हमें देखने को भी मिल सकता है। और अगर ये बाय चांस हम देखते हैं कि 598 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो शायद इस पर एक डाउन साइड दोबारा स्टार्ट हो सकती है, तो इसे कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। कल का और परसों का ट्रेडिंग सेशन है जो रेमेंट का डिसाइड करेगा कि क्या अपमूव है क्या डाउन साइड है। सो चार्ट्स में जिस तरीके से दिखा रहे हैं 600 के ऊपर, तो अभी भी एक बाय बन सकता है, एक शॉर्ट टर्म बाय हो सकता है कल के लिए। तो 611 618 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 591। BPCL गाइस शॉर्ट करने की मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको BPCL को एक बार दोबारा शॉर्ट करना है। 488 484 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 498 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस के अंदर BPCL में। SBI बाय करने की सलाह दी जाएगी, 264 267 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है 256 का करना है। ये भी मैं गाइस एक कॉन्ट्रा बाय आपको दे रहा हूँ, अगर हम मैं कॉन्ट्रा बाय बाय के लिए आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो 260 261 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर ये 260 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, और अगर हम देखते हैं वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और इसके ऊपर ये सस्टेनेबल है, तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 267 और 286 का। यहाँ से अगर 267 का जो आपको सेकेंड टारगेट दिया जा रहा है वो ब्रेक हो जाता है, तो 286 का लेवल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं SBI के अंदर। सो अभी भी हमारे लिए एक कॉन्ट्रा बाय है, क्योंकि एक थोड़ा रिस्की ट्रेड है, अगर ये 260 के नीचे दोबारा खुलता है और नीचे ट्रेड करने की कोशिश करता है, तो फिर हम एक दोबारा डाउन साइड की रेंज में चले जाएंगे, और फिर वो दोबारा उसी रेंज के अंदर काम करते रहेगा। इंडोसेंड बैंक एक ये रिस्की ट्रेड है गाइज, अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने देखा था कि एक नीचे की सपोर्ट लाइन थी जिसको इसने ब्रेक करा था, 2 दिन उस सपोर्ट के नीचे ये कंसोलिडेट करते रहा, और अचानक इसमें आज हमने हेवी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट देखा, जिसने जो लोअर लेवल की सपोर्ट लाइन थी
उसको ब्रेक करके, रेजिस्टेंस की लाइन थी उसको ब्रेक करके हम ऊपर की तरफ आ गए। सो एक ये बाय बन सकता है, 1318 1333 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1291 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो गाइज इसकी अगर हम बात करें जो नीचे की, अब जो सपोर्ट लाइन है वो 1295 के आसपास है, तो वहाँ तक एक बार काउंटर शायद एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करें इंट्राडे में। तो अगर आपको लोअर लेवल्स में मिले, स्टॉप लॉस के पास मिले, तो बाय ज़रूर करिए। और एक बात जो आपको मैं अपनी वीडियो में हर बार बताता हूँ गाइज, और जो भी मेरे जो ट्रेड्स हैं जो मैं आपको ट्रेड्स प्रोवाइड कराता हूँ, जो भी लोग उन ट्रेड्स को फॉलो करते हैं, तो उनको एक बात ध्यान पे रखनी पड़ेगी कि गाइस 30 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम होता है और जो 15 मिनट्स का होता है, अगर आप इंट्राडे में जो भी आपको मैं कॉल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आप उसे इंट्राडे में काम कर रहे हैं, तो ज़रूर ये ध्यान रखिए। अगर आपको मैं कोई स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि मैंने आपको इस पर एक स्टॉप लॉस बता रखा है 1291 का, और अगर ये हमने देखा कि फर्स्ट 15 मिनट के चार्ट, जब 15 मिनट में मार्केट खुली 917 पे, 915 पे मार्केट खुलती है, तो 917 918 पे अगर वो ये लेवल तोड़ देता है और अगर आपने बाय पोजीशन बनाई हुई है, तो गाइस आपको वेट करना होगा। और जब तक ये 15 मिनट के चार्ट में उसके 15 मिनट की जो कैंडल है, अगर उसके नीचे जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं बंद होता, तब तक आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन बाय पोजीशन से नहीं निकलना। क्योंकि गाइस 15 मिनट का जो, अगर जो भी आपको अभी स्टॉक्स सजेस्ट कर रहा हूँ, जो भी आपको मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग बेसिस के अंदर आपको एक फॉल्स ब्रेक स्टॉप लॉस हिट करवा सकता है। क्योंकि गाइस अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ, तो चार्ट्स पे जो एक सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे ही आपको दिया गया है स्टॉप लॉस, कि आपका बाय चांस स्टॉप लॉस हिट ना हो, पर तब भी कुछ पैसों की वजह से, जैसे कि आज हमारा जी इंटरटेनमेंट में हुआ, कुछ हो सकता है, तो आपको 15 मिनट के अंदर एक चार्ट है उसको आपको कैंडल पे क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेरे स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो गाइस थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी देखने के लिए कि कैंडल किस तरीके से दिखा रहा है। अगर ये 15 मिनट के ऊपर नीचे, इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो आप ज़रूरत लॉस के साथ एग्जिट करिए। पर हो सकता है 70% चांसेस होते हैं गाइस कि वो उसके ऊपर जाके दोबारा क्लोज कर देता है और एक रिवर्स आ जाता है। सो ज़रूर इस बात को फॉलो रखिएगा, तो आप ज़्यादा लॉस से बच सकेंगे और आपके जो लॉसेज हो रखे हैं पहले, उनको आप रिकवर करके प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकेंगे। अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स पे देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या हुआ। तो निफ्टी पे सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, और उसके बाद में सबसे पहले मूविंग एवरेज की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं हटा दूंगा तो आपको जो चार्ट है वो अच्छे से विजिबल हो। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर की जो नीचे की तरफ लाइन आ रही है, वो 50 डे का मूविंग एवरेज है, और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट निफ्टी ने आज वहीं पर सपोर्ट लिया। और मैंने आपको अपनी कल वीडियो में बताया होगा गाइस कि जैसे ये 11070 के लेवल को तोड़ती है, तो आपको एक शॉर्ट इनिशिएट करना होगा। जो आज निफ्टी का लो था वो 11090 का था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिवर्सल आया। और मैंने आपको एक बाय पोजीशन की सलाह तब दी थी जब ये अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर चले जाए, यानी कि 11180 के ऊपर जाएगा। तो आप मेरी वीडियो अगर प्रीवियस देखेंगे, तो मैंने आपको लेवल जो बताया था कि 11310 का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं कल के कल, तो वही हुआ। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि अगर ये 11180 का लेवल तोड़ती है, तो एक हम 100 से 150 पॉइंट तक की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो निफ्टी ने दिखा दी थी आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सो गाइस मैंने आपको बताया था कि ये जो एक मूवमेंट आई है, ये मूवमेंट एक हम कह नहीं सकते कि अब ये दोबारा ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। आप देख सकते हैं कि ये अपने जो चैनल था, एक आप देख सकते हैं ये एक बुलिश हम कह सकते हैं मेजर्ड मूव था, जिसने इसे को तोड़ दिया था, हमने देखा था थर्सडे के सेशन पे प्रीवियस वीक की अगर हम बात करें, और आज हम दोबारा इस चैनल के अंदर ट्रेड करने लग गए हैं। तो अब हमारे लिए एक स्टॉप लॉस जो है वो गाइज एक स्टॉप लॉस दोबारा बन गया है क्लोजिंग बेसिस के अंदर। मुझे लगता है कि अगर आप हायर साइड में अपनी अपनी पोजीशंस बना रखी हैं अभी भी, या फिर आप अपनी नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के अंदर 11150 का। और जो हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11450, 11450, 11500। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 11150 का। और शॉर्ट साइड में आपको सलाह तभी दी जाएगी गाइस जब ये दोबारा अपना 1180 के लेवल को ब्रेक करता है। क्योंकि गाइस अभी जो ये मार्केट बिहेवियर कर रहा है, ये मार्केट अभी न्यूज़ के बेसिस पे कम कर रहा है, और जो हम चाल देख रहे हैं वो ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिल रही है मूवमेंट के अंदर, तो चार्ट हमें एक क्लेरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं अभी। सो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें शॉर्ट की पोजीशन को कब मेंटेन करना है और बाय की पोजीशन को कब मेंटेन करना है, वो हमें तब देखना होगा।
गाइस सबसे पहले शॉर्ट टर्म में आप करना है जब 180 का लेवल ब्रेक होता है 11,000, बाय पोजीशन आप अभी करंट लेवल्स पे भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मैं अपना बता चुका हूँ 11,150 का लेवल, टारगेट जो हो सकते हैं 11,500 के हो सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं एक सपोर्ट की जो ग्रीन लाइन थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने टाइम यहाँ पर इसने सपोर्ट फेस करा और इस ग्रीन लाइन पे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा था, यहाँ पर सपोर्ट फेस करा था, वही बैंक निफ्टी के लिए ये एक रेंज है जो उस निफ्टी का जो ग्रीन लाइन का जो सपोर्ट है उसके लिए बैंक निफ्टी ये काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस रेंज पे यहाँ पर भी इसने किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर आप देख रहे थे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कितने टाइम रेजिस्टेंस फेस करा। तो गाइज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो पर यह बात बताई थी कि मेरी तरीके से बैंक निफ्टी पर कोई बाय नहीं होगा जब तक वो अपने दोबारा इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, और जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं एक बाय की पोजीशन सोच सकता हूँ या देख सकता हूँ, पर तब तक मेरे लिए एक ये शॉर्ट की इनिशिएट है, या फिर मैं शॉर्ट इसे तभी करूँगा जब ये अपना 27,670 के लेवल को ब्रेक करता है। तो आप देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी का लो था इसका 27,720 का, और इसने अपने लो को ब्रेक नहीं करा तो हमने इसमें शॉर्ट पोजीशन भी नहीं बनाई। पर अगर आपने इस लेवल के ऊपर एक बाय पोजीशन बनाई होगी 28,600 के ऊपर, तो आप 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी अर्न कर गए होंगे। और गाइज अगर मैं आपको बताऊं टेलीग्राम के बारे में, तो मैं टेलीग्राम पे ही आपको देना चाहता था पर मैं मूवमेंट नहीं देख पाया बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो गाइज मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मार्केट को ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा ना ज़्यादा देख पा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लेवल्स नहीं बता पाया था और भी लोगों को लेवल्स नहीं बता पाया था जिन लोगों को ज़रूरत थी। सो गाइज अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो कल से टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लेवल्स पता चल जाएंगे मार्केट ओपन होने से पहले, और उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सो गाइज ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया है, अभी भी आप बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं, जैसे ये 28,830 का लेवल है वो ब्रेक करेगा, 29,830 का लेवल ब्रेक करे, बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 29,000 एंड नेक्स्ट टारगेट इज 29,200, जो कि मुझे लगता है कि एट अ मैटर ऑफ टाइम अगर ये दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। पर गाइस मैं अभी मार्केट पे बाय साइड पे ज़्यादा नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी ज़्यादा अपसाइड आ सकती है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो पसंद आएगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लगी, अगर आपने कोई भी स्टॉक्स पे ट्रेड करा होगा तो आपको उस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और जो मैं आपको ये चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ इस पे आपको नॉलेज मिल रही है नहीं मिल रही है। और वीडियो को लाइक करके गाइस मेरा मोटिवेशन बढ़ा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन भी दिखेगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि मेरी जो वीडियोज़ अपलोड होती हैं वो वीडियोज़ आपको सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको सबसे पहले मिल जाए और आप इस पर ट्रेड लेके पैसा अर्न कर सकें। और गाइज मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ, सो मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।